जानकारी देते हुए समाज के प्रतिनिधि कुमार प्रजापति, महाकुंभ 27 अगस्त रविवार को अलवर शहर के कंपनी बाग में होगा। इसमें अलवर जिले से लोग पहुंचेंगे। महाकुंभ से दो दिन पहले शुक्रवार को समाज के लोगों ने मीडिया से जानकारी दी। राजीव प्रजापति व प्रभुलाल प्रजापति ने बताया कि अलवर जिले के अलावा राजस्थान भर से लोन आएंगे। यूपी व हरियाणा से भी समाज के लोगों को बुलाया गया। करीब 10,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का अनुमान है। प्रजापति ने कहा कि आजादी के इतने सालों के बाद भी कुमार प्रजापति समाज पिछड़ा हुआ है। अन्य समाजों की तुलना में विकास बहुत कम हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का वर्गीकरण कुमार समाज को पूरा हक मिले। श्री यादव बोर्ड का संगठन का गठन एवं पर्याप्त बजट जारी करना, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड से शिल्प शब्द हटाना, मटका मंडी का निर्माण करने के लिए जमीन आवंटन, दक्ष प्रजापति महाराज एवं श्री आदि माता जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित हो, समाज की संख्या के आधार पर सत्ता में भागीदारी तय हो, अलवर शहर के एक मुख्य चौराहे का नाम दक्ष महाराज एवं श्री आदि माता का पैनोरमा बनाया जाए, मिट्टी के बर्तन वाले बनाने वाले परिवारों को प्रदूषण के नाम पर परेशान न किया जाए, त्योहारों पर मिट्टी के बर्तन बेचने वालों को जगह आवंटित की जाए। राजस्थान सरकार से रहेगी, हम इसके लिए राजस्थान सरकार से आग्रह करेंगे और अपनी बात को मनवाने के लिए उनसे वार्ता करेंगे। इसके अलावा मिट्टी का काम हमारे आदि समाज का बहुसंख्यक वर्ग मिट्टी का काम करता है, इस पर हम कि मिट्टी आदमी हमारा समाज पैसे देके खरीद के लाता है। मिट्टी कहाँ से लाता है, इसका अपन डीप में जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में जोहड़ है, जोड़ कहते थे, पोखर कहते थे, गवर्नमेंट लैंड है वो, 10 बीघे की है, 20 बीघे की, लोगों ने कब्जा कर लिया, अभी वो आधा बीघा रहेगी। हम जब ट्रैक्टर लेकर के वहाँ मिट्टी लेने जाते हैं तो जिस जो कब्जाधारी है वो हमसे 2,000 रुपये लेता है, 4,000 रुपये लेता है मिट्टी के, 3,000 रुपये लेता है। सरकारी जमीन है, सरकारी मिट्टी है और वो व्यक्ति उस जमीन पर कब्जा करके हमसे पैसा देता। हम सरकार से ये मांग करेंगे कि उस जमीन का सीमांकन हो, हम उस पर खेती नहीं करना चाहते, सीमांकन हो, जब भी हमको आवश्यकता हो हमको उस क्षेत्र से निःशुल्क मिट्टी प्राप्त हो, ये मांग हम सरकार से करेंगे। उन जोड़ों का सीमांकन हो, सीमांकन होने के बाद जब भी हमको मिट्टी की आवश्यकता हो वहाँ से मिट्टी हो। दूसरा, हमारा जो उद्योग है घर का, ये घरेलू उद्योग है, इसमें पॉल्यूशन एक्ट लागू नहीं होता, फिर भी हमको हमारे पड़ोसी या प्रशासन कई बार पॉल्यूशन के लिए, साहब आपकी भट्टी चल रही धुआं दे रहा है, आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप भट्टी बंद करो। हम तो सप्ताह में एक दिन चलाते हैं, 15 दिन में एक दिन चलाते हैं, 2 घंटे के लिए चलाते हैं, वहाँ पॉल्यूशन एक्ट लागू होता ही नहीं है। अतः इस पॉल्यूशन की जो धमकी देते हैं हमारे लोगों को परेशान करते हैं, ये नहीं किया जाए, ऐसा हमारा आग्रह। नेता आता है ठेकेदार बन के चला जाता है। मैं उन राजनीतिक पार्टियों को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि 27 अगस्त को कुमार समाज, प्रजापति समाज, कंपनी बात अलवर के अंदर, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है और समाज ने अंगड़ाई ली है तो निश्चित तौर पर समाज कुछ अच्छा करके खड़ा होने वाला है। जो राजनीतिक दल 2023 के चुनाव में कुमार समाज को टिकट देगा, कुमार समाज उस तरफ जाने का फैसला 27 अगस्त को करने वाला है। इस कार्यक्रम के अंदर जैसा कि पत्रकार साहब अभी पूछ रहे थे कि आपके गेस्ट कौन हैं, इस कार्यक्रम के गेस्ट भाजपा कांग्रेस के राजनीतिक दलों के नेता हमारे सेंट्रल लेवल के इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। समाज के जो कार्यक्रम अतिथियों की चर्चा है, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, लेकिन समाज परिवार के हमारे हमारे अपने हैं, सभी को सादर आमंत्रित किया है। लेकिन जैसा कि सचिव साहब ने आपको बताया, समाज की कुछ मांगे, मटका मंडी का निर्माण करना, आरक्षण के संबंध में 7% का जो हम हमारे समाज का बनता है संख्या की जनसंख्या के आधार पर वो हमको मिलना, समाज की अलवर की मुख्य मांगे मैं आपको बता दूँ, अलवर शहर के किसी एक चौराहे का नाम हमारे आराध्य देव और दुनिया संसार के पहले राजा दक्ष महाराज जी के नाम पे एक चौराहे का नामकरण का हमारी एक मांग है। अलवर की दूसरी मांग, राजनीति की, राजस्थान की राजनीति के प्रमुख हस्ताक्षर रहे, अनेकों पदों को जिन्होंने सुशोभित किया, कला महाविद्यालय जिनके नाम से चल रही है, आदरणीय सोहराम जी के नाम पर किसी एक रोड का नामकरण करवाना, ये हमारी मांग है।